दोस्तों मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों को याद दिलाऊं कि स्क्रीन पर जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के आगे बढ़े ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा पूरा देखें ताकि आपको पूरी पूरी जानकारी मिल सके और आप इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके। दोस्तों आज मैं पुनः एक अपडेट लेके आया हूं, उसका नाम है डेन नेटवर्क्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो सेक्शन में उपलब्ध है और वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उससे आप इसको देख सकते हैं और मैं जो कहूंगा आगे उस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों डेन नेटवर्क्स लिमिटेड अभी इस वक्त जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ BSE पे 93 रुपीज़ 45 पैसे में ट्रेड कर रहा है और NSE पे 93 रुपीज़ 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है और दोनों जगह 5% अप चल रहा है। दोस्तों अगर इसकी वॉल्यूम की बात करूँ तो लगभग 2 लाख शेयर का वॉल्यूम जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है और 20 लाख शेयर से ऊपर का वॉल्यूम जो है NSE में हुआ है। साथ ही साथ अगर वैल्यू की बात करूं, ट्रेडेड वैल्यू की बात करूं, तो BSE में 1.95 करोड़ हुआ है और NSE में 19.2 करोड़ के आसपास हुआ है। दोस्तों मैं इसका रिकमेंडेशन प्राइस 50 रुपीज पे मैंने इसको रिकमेंड किया था और 2 जून को मैंने इसको रिकमेंड किया था, वीडियो में इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया था, उसमें हमने खरीदने की सलाह दी थी और इसकी सत्यता आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाला हुआ है उसको देख के आप कर सकते हैं। दोस्तों अब मुद्दे की बात यह आती है कि इसमें क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे रिकमेंडेशन प्राइस से ये 100% ऑलरेडी लगभग बढ़ चुका है, 100 नहीं मोर देन 90%। तो दोस्तों इसको जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस आपको मिलता रहे जो 2 महीना और 1.5 महीना में आपके पैसे डबल करते रहे, ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहे ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये पक्की बात है कि जो मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ वो 1 साल में कितना भी खराब परफॉर्मेंस देगा तो मोर देन 50% आपको रिटर्न जरूर देगा, जिसमें हम खरीदने की सलाह देते हैं और ये समय बताएगा। अभी तक जितने भी वीडियो हैं मेरे, जितने शेयर का मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया है उसमें मोर देन 50% जो है मोर देन 100% रिटर्न दिया है, लगभग 30-40% शेयर्स जो हैं वो मोर देन 50% रिटर्न दिया है और 4-5 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रिटर्न नहीं दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि मेरा एक स्ट्रेटजी होता है जिसमें जो हमारे निवेशक होते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो विदाउट कैपिटल लॉस किए हुए, तो इसलिए जरूरी है कि मैं हमेशा से पार्शियल प्रॉफिट बुक का पक्षधर रहा हूं और कई वीडियो में मेरे बहुत ही इसके अगेंस्ट और निगेटिव कमेंट भी आते रहते हैं कि, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उन लोगों के बहकावे में ना आए, अगर उन लोगों के बहकावे में आएंगे तो आपका पैसा जा सकता है, आपका प्रॉफिट भी जा सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए चूंकि 100% के आसपास आपका इसमें प्रॉफिट हो चुका है और मेरा टारगेट 395 के आसपास था, तो यहाँ आप लगभग टारगेट मेरा अचीव हो चुका है, तो यहाँ पे जो मेरा स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से आपको 50% का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब उसका फ़ायदा यह है कि 50% आपके पास शेयर बचे हुए हैं, 50% आप प्रॉफिट में बुक कर लिए, तो जो शेयर आपके बचे हैं वो फ्री के शेयर हैं और पूंजी आपके हाथ में कैश के रूप में आ चुकी है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से और बढ़ता है 50% तो भी आप खुश हैं क्योंकि आपके पास शेयर है, आप उसको बेच के प्रॉफिट कमाएंगे, और अगर यहाँ से 50% नीचे गिर जाता है तो भी आपको खुश होना चाहिए, उस प्राइस पे अगर उसमें एंट्री करने का पॉइंट बनता है तो आप दोबारा एंटर कर जाएंगे। तो किसी तरह से आपको हमेशा दोनों हाथ में लड्डू रहता है पार्शियल प्रॉफिट बुक करने वाले का। मैं टोटल प्रॉफिट बुक कभी नहीं कराता, शायद ही कभी कराता हूँ, जैसे हमने रुचि इंफ्रा में करवा दी थी टोटल प्रॉफिट बुक, लेकिन यहाँ पे हमेशा मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक की बात करता हूँ और दोनों हाथ में आपको लड्डू है, ऊपर जाएगा तो भी आप बेचेंगे, नीचे जाएगा तो आप खरीदेंगे क्योंकि आपके हाथ में कैश है। तो इसलिए मेरे वीडियो को देख के जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा करके और उसको खरीद लिए शेयर, उनसे निवेदन है कि वो पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें, नहीं तो वो फंस सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों शेयर मार्केट में राता राती कोई अमीर नहीं बनता है, हमेशा याद रखें। जैसे किसी वीडियो पे हम जो व्यू देते हैं उस पर बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, अरे तुमने कल बोला था खरीद लो आज तो मैं फंस गया। 24 घंटे का स्ट्रेटजी फंडामेंटल एनालिस्ट कभी नहीं देता है, फंडामेंटल एनालिस्ट एक लॉन्ग टर्म साल 2 साल का व्यू देता है
और उसके हिसाब से आप देखिए कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। और उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे वीडियो सेक्शन का विजिट करें, उसमें सारे वीडियो को देखें। और जो वीडियो मैंने, इसीलिए जो मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं, तो मेरा हमेशा देखेंगे कि मैं वीडियो प्रचारित करने की बजाय हम उस पर एट द रेट ऑफ किस रेट पे हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं वो भी मेंशन करते हैं, ताकि आप उसका हेडलाइन देख के ही आप जब आप चेक करेंगे कि उसका रेट आज का क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रिटर्न वो दे चुका है और आपको एनालिसिस में भी आसानी होगी। इसीलिए आप दूसरे के कहे सुने पे ना जाएं, मेरे वीडियो सेक्शन का विजिट करके आप खुद सेटिस्फाई हों और उसके बाद मेरे से जुड़े। मैं एक दिन, दो दिन, दस दिन के लिए यूट्यूब पर नहीं आया हूँ और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे से जुड़े रहें और आप लोग लाभ कमाते रहें। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिले और ऐसे ही आपको फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो मिलते रहें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको तुरंत लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी भावनाओं से मुझे अवगत जरूर कराइए। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।